अच्छा ये बताओ तुम काम क्या करते हो? दिन में 2 से 3 बार गांड मरवाता हूँ मैं। ये कमाते हो? मुझे कमाने की क्या जरूरत है, शराब और जुए के लिए पैसे घर से मिल जाते हैं, मैं बेकार मेहनत क्यों करूँ, इनकम टैक्स का टेंशन क्यों? अबे ओ मुगलई झांट, साले इनकम टैक्स के चोदे, तेरे को इनकम टैक्स वाले देख के रो देंगे। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक टू माय चैनल सस्ता में नाटी। तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अपना सस्ता में नाटी। तो आज हम एक मुगलाई छांट के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सर एक बात बताना कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद? अब चूंकि मैं थोड़ा लंबा हूँ तो मेरे हिसाब से कोई नाटी लड़की मिल जाए तो बेहतर होगा। बहुत लंबा है ये, इसकी गांड में जो कीड़ा फंसा हुआ है ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा लंबा है, क्योंकि इसे बकचोदी जो कर लेता है ना, इसे इंटरेस्ट नहीं है नाटी लड़की में, इसे चाहिए स्मॉल पुसी, ये है इसका टेंशन। दिमाग सही जगह लगाओगे तो नजरें भटकेंगी नहीं। मैडम लाइफ सुधारना चाहते हो ना बंटू? चाहता हूँ मैडम। मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कुछ पाना चाहते हो तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। मैं समझ चुका हूँ दीदी क्या कहना चाहती हैं। दीदी कहना चाहती हैं कि मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो यानी जुदाई खामोशी से करो कि तुम्हारा परिणाम समझ रहे हो। तो अब आप इन दोनों की मेहनत की खामोशियों को सुनिए। कोई आवाज नहीं आई ना, आएगी भी कैसे, अब इसका परिणाम देखिए। मेरे कहने का तात्पर्य समझे आप लोग कि मेहनत इतनी खामोशी से कर दो कि परिणाम पूरे मोहल्ले में आवाज लगाए। रिंग इसी उंगली में क्यों पहनते हैं? क्योंकि बाकी की दो उंगली से तो मठ मारी जाती है। पहनते हैं? सब लोग अपने हाथ इस तरह रखो, इसे अलग कर सकते हैं, इसे अलग कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, पर रिंग फिंगर अलग नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ को हमेशा इन फिंगर्स की तरह साथ होना चाहिए, इसलिए रिंग इसी में पहनाते हैं। देखिए इन लोगों को कितने मासूम हैं, इसीलिए कहता हूँ बचपन में पोलियो का टीका हर किसी बच्चे को लगवाना चाहिए, वरना यही होता है। इसको अब देखिए, बकचोदी का कीड़ा हर मिनट में गांड में काट जाता है, ये बकचोदी झाड़ता है, बच्चे सुनते हैं और गांड मरवा के चले जाती है।